बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमानुल्लाह नासर और इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न क्वेटा मरकज़ से हाजिर खिदमत हूँ। और आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त स्पेशल प्रोग्राम लेकर आया हूँ जिसका नाम है रिवायतों के अमीन। ये प्रोग्राम स्पेशल इस हवाले से कि आज हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न 58 सालों का हो गया है। इत्तेफाक ये कि मैं भी 58 सालों का हो गया हूँ। शायद इसीलिए इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर जमाल तरीन साहब ने मुझे मेज़बान चुन लिया है। लेकिन आप लोग परेशान नहीं होना, मैं अकेला मेज़बान नहीं हूँ, क्योंकि हर प्रोग्राम हो या ड्रामा हो उसके लिए ग्लैमर की भी ज़रूरत है। तो हम भी इस प्रोग्राम में आपके सामने एक ऐसी आर्टिस्ट जो पाकिस्तान टेलीविज़न क्वेटा से उन्होंने शुरुआत किए और फिर वो पाकिस्तान के हर सेंटर में गई और फ़न का मुजाहरा किया, और उन्होंने ना सिर्फ उर्दू ड्रामों में नाम कमाया बल्कि बरावी, बलूची और पश्तो ड्रामों में भी बहुत ज़बरदस्त काम किया और आज तक कर रही है। तो इस प्रोग्राम को ग्लैमरस बनाने के लिए मैं जहमत दूँगा हमारी बहुत बड़ी और अच्छी आर्टिस्ट शाइस्ता सरम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मौजूद मेहमानों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद, और पाकिस्तान टेलीविज़न की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। सॉरी मनु, मैं भूल गई, आपको भी आपकी 98वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। खुदा को माने भाई, क्या कह रही है शाइस्ता, 98 नहीं 58वीं सालगिरह। 58वीं तो पीटीवी की है ना, आपकी तो 98वीं सालगिरह नहीं बनती। ना करे, मेरा मार्केट खराब करने की आप कोशिश ना करे। आप ये बताएं कि बहुत अरसा पहले आप एक बहुत बड़े ड्रामे में आ गई थी जिसका नाम है ना खुदा, ठीक है जी। और मुझे याद है आपका जो पहला सीन था वो समंदर के किनारे हमीद शेख के साथ, आपका जो पहला जुमला था वो ये था, क्या चुन रही हो, ठीक है। और अब माशाल्लाह वो शाइस्ता सनम एक स्टार बन चुकी है, पूरे सेंटर से काम कर चुकी है, पूरे पाकिस्तान उनका इज्जत करते हैं और जानते हैं। तो कैसा रहा ये सफ़र? जी अमान, सफ़र तो बहुत खूबसूरत रहा। मेरी खुश नसीबी ये है कि जब मैंने नाखुदा ड्रामा सीरियल किया तो इसका जो स्क्रिप्ट है वो डॉक्टर ताज रसानी ने लिखा था, इसकी प्रोड्यूसर अताउल्लाह बलोच साहब थे, और इसमें उस वक्त के तमाम बहुत बड़े फ़नकार शामिल थे इस ड्रामे में, जैसे कि अयूब खोसो साहब, मरहूम हसाम काजी, कादिर लाला, रफ़ीक शाह साहब, अमानुल्लाह नासर साहब, हमीद शेख, आफ्ताब जबर। तो ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि मुझे मेरे पहले ही ड्रामे में ऐसे उस्तादों के साथ काम करने का मौका मिला और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और टेलीविज़न की ये जो 58 साल है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 28 साल शाइस्ता सनम। मैं तो बस यही कहूँगी कि इसी तरह हमारा पाकिस्तान टेलीविज़न फलता फूलता रहे और इतने ही शाहकार ड्रामे और शाहकार प्रोग्राम्स हमेशा यहाँ से चलते रहें। अब हम ज़रा नगमों की तरफ आते हैं, और नगमों में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले मिली नगमों की बात करते हैं। जी बिल्कुल अमान, पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमेशा से बहुत ही खूबसूरत मिली नगमे तख्लीक किए हैं जो नौजवानों में बहुत मकबूल हुए हैं और आज तक मकबूल है। और मैं जहाँ तक देखता हूँ, मैं जहाँ भी देखता हूँ, वो वाले नगमे अब तक चल रहे जो मैडम नूरजहान, मेहदी हसन साहब, नाइद अख्तर, बेंजामिन सिस्टर वगैरह, ठीक है ना। तो जो हमारा पाकिस्तान टेलीविज़न क्वेटा मरकज़ है, यहाँ से फिर बलूची, बरावी और पश्तो में बहुत ज़बरदस्त नगमे तख्लीक किए गए और बहुत बड़े बड़े गुलकार यहाँ गुजरे हैं। और आज जो हम एक मिली नगमा नाज़रीन को सुनवाना चाह रहे वो है बलूची और उर्दू ज़बान में। तो किस गुलकार को बुलाना चाहेंगे? जी अभी एक बहुत ही खूबसूरत नगमा लेकर आप सबके सामने तशरीफ ला रहे हैं बलोची और उर्दू के सिंगर रमजान शाद साहब। जी
वतन जान दिलो साए मनी फुले वतन, ये वतन जान से भी प्यारा है ये मेरा वतन। तो जिंदे अरमान मनी तो दर्द दर माने मनी, तो जिंदे अरमान मनी तो दर्द दर माने मनी। तो वतन जान दिलो साए मनी फुले वतन। शाने से बतई बोलाने चारे ने मग चारे, चारे ने मग चारे, चारे ने मग चारे मेरे तई तालाने। ये वतन जान से भी प्यारा है मेरा वतन, तो वतन जान दिलो साए मनी फुले वतन। तो जिंद अरमान मनी तो दर्द दर माने मनी, तो जिंद अरमान मनी तो दर्द दर माने मनी। तो वतन जान दिलो साए मनी फुले वतन। शाद सदा यूं ही आबाद सदा, तो भी बेशाद मुदाम, तो भी बेशाद मुदाम, तो भी बेशाद मुदाम, दाइम आबाद मुदाम। ये वतन जान से भी प्यारा है ये मेरा वतन, तो वतन जान दिलो साए मनी फुले वतन। तो जिंद अरमान मनी तो दर्द दर माने मनी, तो जिंद अरमान मनी तो दर्द दर माने मनी। तो वतन जान दिलो साए मनी फुले वतन। परतो दाइम बैते, परतो दाइम बैते, परतो दाइम बैते, बागो फुलानी बहार। ये वतन जान से भी प्यारा है ये मेरा वतन, तो वतन जान दिलो साए मनी फुले वतन। तो जिंद अरमान मनी तो दर्द दर माने मनी, तो जिंद अरमान मनी तो दर्द दर माने मनी। ये वतन जान से भी प्यारा है ये मेरा वतन। अच्छा शाइस्ता, अब आपने कुछ बताना था तारीख के बारे में, क्योंकि आप तारीख की भी स्टूडेंट है ना? जी अमान, मैं ये बताना चाह रही थी सारे दोस्तों को कि 26 नवंबर 1964 को पाकिस्तान टेलीविज़न का इफ्तिताह हुआ, और ठीक 10 साल बाद 26 नवंबर 1974 को क्वेटा मरकज़ का इफ्तिताह हुआ। और उसके बाद 1985 में ये जो इतनी शानदार खूबसूरत बिल्डिंग में हम इस वक्त मौजूद हैं, इसका इफ्तिताह किया गया उस वक्त के सदर पाकिस्तान ने। और उसके बाद से तो फिर एक खूबसूरत ड्रामों का, एक शाहकार ड्रामों का सिलसिला चल निकला। और फिर मैं आया तकरीबन 1991 में, मैंने जो पहला उर्दू प्ले किया उसका नाम था पालेशा, जो सजाद अहमद साहब ने उसे रिकॉर्ड किया था। मुझे याद है 72 घोड़े, ठीक है, 72 घोड़े, और सारा आउटडोर रिकॉर्डिंग, और उसमें राई साहब जो थे, इकबाल राई साहब, वो उसके कैमरे मैन थे। और पाकिस्तान टेलीविज़न क्वेटा सेंटर के हवाले से मैं ये बता दूँ कि इस सेंटर ने हमेशा वो काम किए हैं जो दूसरे सेंटर कतराते थे उसे, क्योंकि उस ज़माने में सारा जो शूटिंग है, जो सारे ड्रामे होते थे, वो इंडोर होते थे, ड्राइंग रूम। ये पाकिस्तान टेलीविज़न ही था
जिसने सबसे पहले आउटडोर ड्रामों का एक रिवाज रखा। जी बिल्कुल अमान, ये तो हमेशा से क्वेटा टेलीविजन की शान रही है कि उसने अपना एक मुनफरद अंदाज रखा है। अच्छा अमान, मैं तो नाखुदा ड्रामे के ज़रिए पीटीवी क्वेटा से मुंसलिक हुई, लेकिन उससे बहुत साल पहले एक ऐसा ड्रामा तख्लीक हुआ जिसने पूरे पाकिस्तान में धूम मचा दी, ठीक है, और वो था ड्रामा सीरियल छांव। उसके बारे में आप कुछ बताएं हमें। अब छांव के बारे में ये बता दूं कि उस वक्त का कराची से एक बहुत बड़ा हमारे प्रोड्यूसर है काजिम पाशा साहब, जिन्होंने बेशुमार सुपरहिट सीरियल्स किए, ड्रामे किए, तो उन्होंने ये किया कि एक तो कराची से उनका ताल्लुक था, फिर शाहिद काजमी जो था उनका राइटर, उनको भी कराची से बुलाया गया। और अगर सच्ची बात आप पूछें तो हसाम काजी मरहूम और अयूब कोसो उस सीरियल से बहुत हिट हो गए, और उसमें फिर रियाज मरहूम हमारे वो तो थे बिसकली एक कंपोज़र, लेकिन उन्होंने उसको विलन के रोल में कास्ट किया। और सबसे बड़ी बात, बहुत खूबसूरत दो अदाकाराएँ उस ज़माने में, लैला ज़ुबैरी साहिबा और ऐनी जैदी भी उसी सीरियल से इंट्रोड्यूस हो गई। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर हम हिट सीरियल्स की बात करें क्वेटा सेंटर की, तो एक ड्रामा का नाम अगर हम ना लें तो ये तो फिर थोड़ा गलत हो जाएगा। एक बहुत ऐसा हिट ड्रामा सीरियल जिसने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, और वो था ड्रामा सीरियल धुआं। धुआं जो है वो भी एक मुनफरिद सीरियल था, उसमें अशर अजीम साहब जो कस्टम कलेक्टर थे, बहुत पढ़े लिखे बंदे थे, उनका ये आइडिया था, फिर सजाद अहमद साहब उसके प्रोड्यूसर थे, फिर ताहिर बुखारी साहब उस ज़माने में आए थे लाहौर से, वो फिल्मों के और ड्रामों के बहुत बड़े आउटडोर के वो बहुत ज़बरदस्त कैमरामैन थे, फिर शकील अदनान साहब। फिर उस ड्रामे का इनफरादियत ये है कि उसमें असलीन खान और ज़ुबैर चिकज़ई और वाजिद अली शाह, ये बिल्कुल नए लड़के थे, और अगर सच बात पूछे तो नबील भी उसी सीरियल से हिट हो गया था। जी बिल्कुल, ये एजाज़ भी क्वेटा टीवी को जाता है कि इस वक्त जो हमारे बहुत सारे स्टार्स हैं उनके जो हिट ड्रामा सीरियल है या जिनसे उनको पहचान मिली है वो उन्होंने क्वेटा से किए हैं, चाहे वो हमारी जो फिल्म स्टार हैं रेशम, सनम इकबाल और इस तरह से और बहुत से आर्टिस्ट, जैसे मिशी खान, बिल्कुल ऐसे ही जी। तो अब इस तरह करते हैं कि ड्रामों के इस बहस को फिर इधर रखते हैं, इंशाल्लाह। एक बहुत खूबसूरत गीत है, जिस तरह हमारा पहला जो मिली नगमा है जो रमज़ान शाद ने गाया था वो था बलूची और उर्दू में, और अब ये जो पश्तो और उर्दू नगमा है, हमारी एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट है, और वो आर्टिस्ट कौन सी है? जी हमारी एक बहुत ही अच्छी ड्रामा आर्टिस्ट जो बलोची, ब्रावी, पश्तो में भी काम कर रही हैं, उर्दू ड्रामास में भी काम कर रही हैं, और उसके साथ साथ वो इन तीनों जबानों में गा भी रही हैं, मेरी बहुत ही फेवरेट और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी, परवीन रानी। मेरे ख्वाब, मेरे ख्याल और जिंदगी हो तुम, मेरी जान, मेरी जिगर और बेबसी हो तुम, मेरी जान। लवंगिन में दे पहाड़ साद पारा राजा, सद कदे संतरस्तर गुगुल निकारा राजा, लवंगिन हो तुम, मेरी जान। लवंगिन में दे पहाड़ साद पारा राजा, सद कदे संतरस्तर गुगुल निकारा राजा, लवंगिन।
खुशबू खुशबू गुल निगारा रजा लवंगे मेरे ख्वाब मेरे ख्याल और जिंदगी हो तुम मेरी जान मेरी जिगर और बेबसी हो तुम मेरी जान लवंगिन में दे पहाड़ साज पारा राजा सदक दे संतरस्तर गुल निगारा राजा लवंगे म्यूजिक को भी डिस्कस करेंगे इसलिए कि पाकिस्तान टेलीविजन ने ड्रामों में म्यूजिक में करंट अफेयर्स में न्यूज में और डॉक्यूमेंट्रीज में बहुत ज्यादा काम किया है. ठीक है, तो म्यूजिक पे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान टेलीविजन का कमाल आप देखें कि चारों सूबे और फिर इस्लामाबाद, ठीक है, इन्होंने हर जबान में म्यूजिक की खिदमत की है. ठीक है, और इस म्यूज़िक के हवाले से मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि एक अच्छे गाने को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है. चलो, जैसे एक अच्छे ड्रामा के लिए एक अच्छा स्क्रिप्ट होना ज़रूरी है, तो उसी तरह एक अच्छे सॉन्ग के लिए एक अच्छी शायरी होना ज़रूरी है, अच्छी आवाज़ और म्यूज़िक. और मैं यही आपको मतलब मैं देख रहा था कि आप वो जो असल बंदा है, जिस तरह ड्रामे का जो कैप्टन होता है शिप का, वो है डायरेक्टर. ठीक है, इसी तरह एक अच्छे गाने को बनाने के लिए कंपोज़र्स की बहुत सख्त ज़रूरत है. ठीक है, और अच्छे कंपोज़र ही अच्छा तर्ज बनाएंगे, अच्छे शायर को चुनेंगे, अच्छा जो म्यूज़िक ग्रुप है उसको बनाएंगे, तब वो अच्छा सॉन्ग बनेगा. ठीक है, तो पाकिस्तान टेलीविजन क्वेटा मरकज़ में अगर हम रबाब की बात करें तो सुल्तान मोहम्मद चानी साहब, अल्लाह ताला उसको जवार रहमत करे, और वो रबाब के एक बहुत बड़े उस्ताद थे. ठीक है, और कंपोज़र भी थे. इसी तरह नज़र अली साहब जो अब तक माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे, खुदाई रहीम साहब एक जुनूनी कंपोज़र थे, इसी तरह आज़म जान, हजूर बख्श मस्ताना. ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे नाम, रियाज मरहूम. मैं ख़ास तौर पर उन ख़वातीन को सलाम पेश करता हूँ कि इस कबाइली मुआशरे में और बहुत सख्त हालात में वो घर से निकलती है और वो टेलीविज़न के ड्रामों में और प्रोग्रामों को खूबसूरत बनाती है. तो मैं यहाँ पे एक ऐसी खातून को अब दावत देना चाहूँगा स्टेज पे, जिन्होंने बलूचिस्तान की इस कबाइली मुआशरे में सबसे पहले ये आई, और इनकी जो पूरी फैमिली है माशाल्लाह, इनकी जो बहनें
वो भी आई और शोबिज में इन्होंने परफॉर्म किया, उसमें आप कंपेयरिंग ले, उसको आप ड्रामा ले, ठीक है ना। और ये एक बहुत पढ़ी लिखी खातून है, माशाल्लाह प्रोफेसर है जी। हम जिक्र कर रहे हैं प्रोफेसर मैडम ज़ीनत सना, ये बलूचिस्तान की पहली PhD बलोच खातून भी है, ये एज़ाज़ भी इनको हासिल है। और हम ख़वातीन जितनी भी बलूचिस्तान की बच्चियां हैं उन सब के लिए मैडम ज़ीनत सना एक रोल मॉडल हैं। तो मैं आप लोगों की भरपूर तालियों में बहुत इज्जत के साथ दावत दूँगा मोहतरमा मैडम ज़ीनत सना साहिबा। आज मुझे बहुत खुशी है कि PTV की उम्र जो है वो 58 बरस हो गई है और PTV की जो कारकर्दगी है वो हम सब के सामने है। बात ये कि तकरीबन हमारी उम्र के हिसाब से है, और जब हम टेलीविज़न देखते थे उस ज़माने में ब्लैक एंड वाइट होता था टेलीविज़न, तो हम किसी के घरों में जाके देखते थे और बहुत अच्छा लगता था कि TV में प्रोग्राम्स आ रहे हैं। खैर अभी तो सोशल मीडिया का दौर हो गया है, लोग शायद इतना ना, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि टेलीविज़न के ड्रामे हैं, टेलीविज़न में जो प्रोग्राम्स होते हैं, डिस्कशन प्रोग्राम्स होते हैं, इसके अलावा जो कंपेयर्स हैं वो अपनी कंपेयरिंग करते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल है और काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको लोग देखते भी हैं और बल्कि पूछते भी हैं, बल्कि सोशल मीडिया पे इनका इश्तहार भी चलता है कि भाई इस टाइम जो है ये प्रोग्राम चलेगा। बहरहाल जब मैं टेलीविज़न पर आई थी तो बहुत छोटी थी मैं, इतनी भी छोटी नहीं थी लेकिन जवान थी, और इधर आई थी मैं, और उस वक़्त मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल सहनी पड़ी थी। एक तो जब मैं तालीम हासिल कर रही थी उसकी वजह से भी मुझे काफ़ी मुश्किलात, क्योंकि मैं एक कबायली उससे ताल्लुक़ रखती थी, कबीले से, चूँकि मैं ये सोचती थी कि हमें कुछ खुद करना चाहिए। जब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करते हैं तब जो है आप किसी और के लिए रास्ते खोलते चले जाते हैं। टेलीविज़न हो या कोई भी अदारे हों, रेडियो हो या कोई भी अदारे हों पाकिस्तान के अंदर, कोई कुछ भी ख़राब नहीं है। देखिए दीवारें, ये माइक, ये चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, वो हम अपने अंदर जो है अपने किरदार की वजह से अच्छे और बुरे चीज़ अदारों को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अदारे जो है इनमें अपना वही किरदार हमें अदा करना चाहिए जिसे लोग पसंद करें। जब PTV बोलान स्टार्ट हुआ था 2005 में तो मैं पहली उसकी कंपेयर थी। जब मैंने प्रोग्राम किया तो लोग मुझे कहते थे कि भाई आप ऑलरेडी प्रोफेसर हैं, आप क्यों जाती हो प्रोग्राम करने के लिए, आपको इतने थोड़े से पैसों की क्या ज़रूरत है। तो मैं यही कहती थी कि मेरी जो बच्चियां हैं आगे आने वाली, उनके लिए मैं रास्ता खोलूं। एक पढ़ी, और अभी आप देखते हो कि PTV बोलान में कंपटीशन चलता है, पहले लोग आते ही नहीं थे कंपेयरिंग करने के लिए, लोग यही कहते, बल्कि मैंने 20 दिन कंपेयरिंग की, मैं थक गई। प्रोड्यूसर से मैंने कहा भाई मुझे कंटिन्यूसली आप क्यों 20 दिन तक रखा होगा, और भी कंपेयर बुलाएं। और मैं अपनी बेटियों को ले आई ड्रामों में काम करवाया, मैं अपनी बहनों को ले आई। सबसे पहले कहते हैं जब आप किसी अदारे में अपना रोल अदा करना चाहते हैं तो अपने घर से बंदे लाओ, अपनी बेटियाँ लाओ, अपनी बहनें लाओ, देन जो है आप उस अदारे का हक अदा कर सकते हो। मुझे बहुत खुशी है, और ख़ास तौर पर मैं इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं जमाल तरीन साहब, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी और इस सालगिरह के दिन पर मुझे बुलाया और स्टेज पे, और जो मेरी कंट्रीब्यूशन थी उसे अप्रिशिएट किया गया। थैंक यू वेरी मच आप सबका। आपके नक्शे कदम पे चलते हुए बहुत सारी ख़वातीन इस वक्त आ चुकी है पाकिस्तान टेलीविज़न क्वेटा सेंटर में, और वो बहुत बड़ा नाम कमा चुकी है। और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे मर्दों को कबायली माशरे में पगड़ी होती है, तो इसी तरह ख़वातीन के लिए शाल होते हैं, चादरें होती हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि वो ख़वातीन आए और मैडम ज़ीनत सना साहिबा उनको वो चादरें पहनाएं। जी बिल्कुल, तो आप नाम ले। सबसे पहले तो मैं स्टेज पे आने के लिए दावत दूंगी हमारी बहुत ही अच्छी फनकारा गुलुकारा, अभी आपने उनको सुना भी, बलोची ब्रावी पश्तो की फनकारा भी हैं और वो उसमें गाती भी हैं इन जबानों में, कल्सूम नूर। हमारी
और बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट, बलोची जबान, ब्रावी और पश्तो में उन्होंने एक्टिंग भी की है और उसके साथ साथ वो गुलकारी भी करती हैं। पश्तो की बहुत अच्छी सिंगर, उर्दू, बलोची और ब्रावी में भी गाती हैं, परवीन रानी। और अब एक और बहुत बड़ी आर्टिस्ट है और बहुत ज़बरदस्त मेज़बान भी है और इस वक्त मेरे साथ खड़ी है, और शाइस्ता सनम साहिबा से भी दरख्वास्त है कि वो प्रोफेसर साहिबा के पास जाएं और चादर सर पे लें। तूने फन को निखारा, फनकार तुझसे निकले, शोहरत की ऊंचाइयां दी सबको तूने, सबको तूने, सबको तूने। हम तो कुछ भी नहीं थे, तुझसे जुड़े तो सीखे, तूने तराशे तो निखरे हैं हीरे, निखरे हैं हीरे। अब आयशा बेटी जो है बहुत ज़बरदस्त फूल ला चुकी है, और मैं हमारी एक और बहुत सीनियर फनकारा है, आर्टिस्ट है, ड्रामों के हवाले से बहुत बड़ा नाम है, बलूची, बरावी, उर्दू, पश्तो, दुर्दाना बलोच साहिबा से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आकर ये फूल प्रोफेसर साहिबा के हवाले कर दें। दुर्दाना बलोच, जीनत सना साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। और अब मैं चाहूँगा कि दुर्दाना बलोच साहिबा यहाँ आके एक खूबसूरत पैगाम दें। जितने भी हाजरीन बैठे हैं और जितने भी नाजरीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको पाकिस्तान टेलीविज़न की 58वीं सालगिरह मुबारक हो, और साथ में हमारे जितने भी PTV के आर्टिस्ट हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, और इस वक्त जो हमारे साथ अमानुल्लाह नासिर साहब खड़े हैं, और जितने हमारे साथ हमारे अदीब हैं, शायर हैं और आर्टिस्ट हैं, गुलकार हैं, सब को मुबारकबाद हो। और मैं दुआ करूंगी अल्लाह पाक PTV पाकिस्तान टेलीविज़न को हमेशा ऐसी सालगिराएं नसीब करे और हम लोगों को नसीब करे कि हम इस तरह से देखते रहें उन्हें। और मैं ये दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला करे कि कामयाबी के साथ और भी अच्छे अच्छे नए आर्टिस्ट भी आते जाएं। और जैसे कि अमानुल्लाह नासिर साहब ने और शाइस्ता सनम ने कहा कि जिस हालात से हम लोग गुज़रे, यानी कि मैं खुद 1976 में जब 9 साल की थी, रेडियो पाकिस्तान से मैंने कंपेयरिंग से आगाज़ किया, बच्चों के प्रोग्राम से, उसी सन में मैं यहाँ पाकिस्तान टेलीविज़न में आई हूँ और अब तक आ रही हूँ। और वाकई के हम जिस दौर से, उस वक्त एक बलोच घराने में हमें स्कूल पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, और छुप छुपा के किस तरह से हम लोग यहाँ तक आए, पहुँचे, कितने मुश्किलात का सामना किया, लेकिन अब तो शुक्र है, अब मुझे खुशी होती है जिस तरह से मतलब आ रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न में हमारे मतलब बलोच बहनें या बेटियां आ रही हैं, तो मुझे इस बात से बहुत खुशी है। और अल्लाह करे पाकिस्तान टेलीविज़न इसी तरह तरक्की करे हम सब जितने भी आर्टिस्ट हैं और हमारे देखने वालों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शाइस्ता, जो बच्चों का हम जिक्र कर रहे हैं, उन प्रोग्राम्स का जो हम जिक्र कर रहे हैं, तो बच्चों का प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत मुश्किल होते हैं, और इस बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा एक प्रोड्यूसर था माजुला जमालीनी साहब, मेरा मौसिन भी है, मेरा दोस्त भी है, सबसे पहले उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा काम दिया था, और उसके बाद एक और प्रोड्यूसर था जिसका नाम था फजल अहमद दुरानी साहब। और अब हम आएंगे बच्चों से ज़रा बड़ों की तरफ, और जिस तरह के हम बच्चों की बात कर रहे हैं,
नाज़रीन को मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान टेलीविज़न क्वेटा सेंटर ने बहुत बड़े बड़े नाम पैदा किए बड़ों में भी, और वो नाम ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ बलूचिस्तान के हद या पाकिस्तान के हद तक, पूरी दुनिया का वो सैर कर चुके हैं। और ये ऐसा आर्टिस्ट है शाइस्ता कि जब स्टेज पर आ जाए जहाँ पर भी, तो लोग दूर से कहेंगे कि ये बलूचिस्तान से आए हुए हैं। तो ये हमारी पहचान है। और इसका जो ड्रेस है और ये ड्रेस का जो रिवाज है, ये भी मेरे ख्याल में कि सबसे पहले हमारे इस सेंटर ने रख दिया है फैज़ बलोच बाबा, और फिर उसके बाद जो हमारे और बहुत ज़बरदस्त सिंगर्स थे उन्होंने, और फिर हमारे इस फनकार ने। और इस फनकार के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि बलूचिस्तान के संगलाख चट्टानों का शहजादा भी है और बुलबुल बोलान भी है, और ये और कौन हो सकता है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे बहुत ही बड़े सिंगर बलूचिस्तान की शान जनाब अख्तर चन्नाल साहब। जीवात्रा ना को फैज़ियान जीवात्रा। नाज़े उसने वाला वो दिल मने गुर तक लाला। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। नाज़े उसने वाला वो दिल मने गुर तक लाला। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। नाज़े उसने वाला वो दिल मने गुर तक लाला। तू हुस्न का वो शहपारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। तू हुस्न का वो शहपारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। नाज़े उसने वाला वो दिल मने गुर तक लाला। जीरा वो कच को लसाया जीरा, तई उसने मन वो फकीरा। नाज़े उसने वाला वो दिल मने गुर तक लाल। ऐ नाज जानी नाज से बनाज़े उसने वाला वो दिल मने गुर तक लाला। जा
जानी नाज ऐनी नाज उसने वाला वो दिल मन बुर तक लाल ऐ नाज उसने वाला वो दिल मन बुर तक लाल शाइस्ता ये वो गीत है जो अख्तर चनाल साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से गाया है और जो मुस्कान साहिबा ने परफॉर्म किया तो उसके लिए तालियां। और अब अख्तर चनाल साहब, जैसे कि आप जानते हैं, आप आज पाकिस्तान टेलीविज़न का जो है 58वीं सालगिरह है और आप भी इस सफ़र में काफ़ी अरसे से शामिल हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक मुख्तसर सा पैगाम यहाँ पर आके दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम अलैकुम, आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कि हमारा टीवी आज 58 बरस का हो गया है। टीवी के सालगिरह पे आप सबको एहलियान बलूचिस्तान को और एहलियान पाकिस्तान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कबूल हो। हमारा पीटीवी इसी तरह फले और फूले हज़ारों साल, मेरी दुआएं आप सबके साथ। शाइस्ता, अब हम उस आर्टिस्ट को दावत देंगे जिन्होंने शुरुआत की थिएटर से और फिर वो पीटीवी आए, रेडियो पाकिस्तान गए। हमने बहुत कुछ उससे सीखा। जब वो रुलाने पे आते हैं तो वो नाज़रीन को रुला देते हैं और जब हंसाने पे आते हैं तो फिर लोगों को हंसा देते हैं। हमारे बहुत बड़े फनकार, सदारती एवार्ड याफ्ता, बलूचिस्तान एक्सेलेंस एवार्ड याफ्ता और इस वक्त हमारे दोस्त भी, हमारी जान भी, हमारी जिगर भी है। मैं दावत दूंगा उमर फारूक। आज माशाल्लाह बड़े सूटेड बूटेड होके आए और ये इन्होंने अपने उस्ताद से इजाज़त ली, जो कि फरमान बरदार आर्टिस्टों की ये निशानी है। ठीक है, कैसे हैं उमर फारूक साहब आप? मानो आपके सामने तो बस ऐसे हूँ। अरे नहीं भाई, मैं कहाँ आप कहाँ। अरे मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तेरे सर पे इतने बाल, मेरा सर मैदान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, आप भी पाकिस्तान है, लेकिन आप सबकी जान है। आप इतने सालों से पाकिस्तान टेलीविजन के साथ मुंसलिक हैं और काम कर रहे हैं, तो ये गुजरे हुए सालों को आप कैसे देखते हैं? सालों को सालों की तरह देखता हूँ, जूते के नोक पे रखता हूँ सालों को। और नहीं भाई, उन सालों की बात नहीं हो रही है, ये जो 58 साल है इन सालों की बात हो रही है। अच्छा, गुजरे सालों की बात। जी, जी, जी। गुजर गया जो जमाना उसे भुला ही दो, बल्कि मैं तो कहता हूँ भुला भी दो सालों को यार। जी क्या मतलब? अरे भाई अपने सालों की बात कर रहा हूँ यार, कुछ नया करो। उनकी बहन भी अब तो बूढ़ी हो चुकी है, कुछ नया करें साले। अभी तक उसी पे दाद वसूल किए जा रहे हैं, तालियां तालियां यार, कुछ नया करें भाई, कब तक पुराने कामों पे दाद वसूल करते रहेंगे। अच्छा सर, आप ये बताइए कि जब आप काम करते थे तो आपके जमाने में कैसे काम होता था, क्या होता था? अच्छा आप पूछिए पहले क्या था अब क्या है। जी सर, शायस्ता मैं कोई गैलप सर्वे से तो नहीं हूँ। मतलब प्रोड्यूसर्स किस तरह काम करते हैं? प्रोड्यूसर्स मतलब लोगों का पूछ रहे हैं। जी सर, जी सर। जैसे सज्जाद साहब थे, धुआं थे, मट्टी उड़ाई, सजाओ जजा के चक्कर में लाहौर निकल गए। और अताउल्लाह बलोच साहब? अताउल्लाह साहब ने शांतुल उड़ाई, दरवाजा बंद किया, शाम से पहले निकल गए। और सर मक्सी साहब? अरे मक्सी साहब की क्या बात कर रहे हैं, माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे शख्स, एचिसन से पढ़े लिखे आदमी, बहुत ही मासूम आदमी। वैसे मक्सी साहब का और वाबड़ा की बिजली का एक ही हिसाब है, वाबड़ा की बिजली भी बारिश के पहले कतरे पे छुप चली जाती है, मक्सी साहब ने पहली बूंद किया निकल ली। अच्छा ये ड्रामों के नाम है, मैं आप लोगों को ये वाजे कर दूँ। अच्छा ये बताएं कि स्क्रिप्ट जो है वो एक अहम शोबा है, जो मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिखते हैं, बहुत सारे राइटर्स बैठे हुए वो भी लिखते हैं,
सरवर सौदाई साहब थे हमारे। अरे क्या याद करा दिया, मानो सरवर सौदाई साहब तो इंतहाई मोहब्बत करने वाले लोग थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे, हमेशा छेड़खानी किया करते थे। सरवर सौदाई साहब तो बेचारे एक दिन भाभी ने सौदा लेने भेजा, सौदाई बन के वापस आ गए। हाँ अलबत्ता कभी 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 केक काटने के लिए तशरीफ लाते हैं यहाँ पे। आज उसके लिए भी नहीं आए जालिम, ये आपने नजर लगा दिया। अच्छा। और हाँ एक और भी तो थे ना, वो तारिक बिन मेराज। सर तारिक बिन मेराज नहीं, तारिक बिन ज़ियाद थे वो तारीखी कैरेक्टर। ओ बीबी तारीख के चक्करों में मत पड़ो, यहाँ अक्सर लोग डेट के चक्करों में ही ख्वार होते हैं। सर क्या कह रहे हैं आप, वो तारिक मेराज और जफर मेराज भाई नहीं है आपस में? अब आप कहेंगे कि अजरा आफ्ताब के शौहर आफ्ताब भी नहीं। अच्छा उमर फारूक साहब, आपके खूबसूरत मिजाज से हट कर एक बात करूँ? भाई जिससे हटने को दिल करे वो खूबसूरत तो ना हुआ ना। मेरा मतलब है अगर आप आज की कहानियों के बारे में बात करें तो क्या कहेंगे? अरे मानो कहानियों की क्या बात करते हैं, आज की कहानी बेताज है, बेमुराद है, बेजिया है और मोहसिन की भी कदर नहीं की उसने। मोहसिन साहब की, वाह 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 वाह। अच्छा उमर साहब आप ये गुजरे टाइम को कैसे देखते हैं? घड़ी से देखता हूँ, वैसे आजकल घड़ियां भी करोड़ों और अरबों की हो गई हैं। नहीं सर मैं उस घड़ी की बात नहीं कर रही, मैं घड़ी की करनी भी नहीं चाहिए, ये वो घड़ी नहीं है जो घड़ी घड़ी मिल जाए। जी सर जी सर। वैसे आपस की बात है, उसके साथ मेरा नाम भी जोड़ा जा रहा है, उमर फारूक। अच्छा उमर साहब आप ये बताएं कि हजारों साल के बाद अगर इस जगह की खुदाई की जाए तो क्या निकलेगा? यानी आसार कदीमा वाले अगर खुदाई करें? जी जी। अरे तो यहाँ से निकलेंगे मिले जुले जज्बात, आंसू, कह कहे, जुदाई, मिलन, शादियाँ ने गम, सारी जिंदगी यही जो करते रहे यहाँ। अच्छा भाई ओके मैं चलता हूँ फिर, ठीक है? वाह 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 उमर फारूक साहब। अरे सॉरी एक असल बात तो मैं बताना भूल गया, यहाँ से एक मम्मी भी निकलेगी। मम्मी? मम्मी किसकी मम्मी? एडी बलोच साहब। जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा अमान क्विटा टेलीविजन की एक ये भी खासियत रही है कि इसने हमेशा तमाम सेंटर्स के फनकारों को मौका दिया है यहाँ पर आकर काम करने का, ना सिर्फ ड्रामा में बल्कि साथ ही साथ म्यूजिक में भी। और शायस्ता प्रोफेशनल काम यही होता है कि एक अदाकार ऐसा होता है कि वो एक रोल के लिए मौजूद होता है, तो अगर हम ये सोचें कि नहीं वो तो कराची का है या वो लाहौर का है हम क्यों बुलाएं, तो आप अपने ड्रामे के साथ ज्यादती करेंगे, ठीक है? अच्छा एक बात मैं बता दूं नाजरीन को और हाजरीन को कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने जिस तरह हमेशा ड्रामों के हवाले से बाहर के फनकारों को भी मौका दिया है, इसी तरह म्यूज़िक में एक बहुत बड़ा नाम है गुलजार आलम जो पश्तो का बहुत बड़ा सिंगर है, इसी तरह सरदार अली टक्कर बहुत बड़ा सिंगर है, नूरल साहब कराची में रहते हैं लेकिन वो आते हैं यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, तो ये हमारा शेवा है कि हम मेहमानों की इज्जत भी करते हैं और अपने प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए हम कहीं से भी लोगों को दावत देते हैं और वो आकर शिरकत करते हैं। और आज जो मैं आप लोगों को एक नाजरीन और हाजरीन एक हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है म्यूज़िक का जिसे हम सरिंदा कहते हैं, इसको बजाने के लिए ये बहुत नायाब हो चुका है इस वक्त, इसको बजाने वाला एक बहुत बड़े फनकार जिसका नाम था मुनीर सरहदी और उन्होंने सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किया है बायसेती म्यूजिशियन पश्तो फिल्मों के लिए, पेशावर टेलीविज़न के लिए, पेशावर रेडियो के लिए, और आज इनका जो बेटा है जो उसी तरह ज़बरदस्त फनकार है अपने बाप की तरह, इजाज़ सरहदी को मैं दावत दूँगा आपकी इजाज़त से कि वो आए और दस एक खूबसूरत गीत हमारे नाजरीन और हाजरीन को सुनाए।
अब हम आते हैं वापस ड्रामों की तरफ, और ड्रामों के हवाले से मैं नाज़रीन आप लोगों को ये बता दूं कि क्वेटा टेलीविज़न ने हमेशा वो काम किए हैं जो दूसरे लोग उस काम को मुश्किल समझते थे और उस पर हाथ नहीं डालते थे। जिस तरह मैंने पाले शाह का जिक्र किया, ना खुदा जो समंदरों में रिकॉर्ड किया गया था, इसी तरह कुछ ड्रामे जो चाकरी आज़म जो एक तारीखी सीरियल था, इसी तरह फैज़ मोहम्मद तरीन जो मक्सी साहब ने किया था, मामा गशकूरी साहब ने वो किया था चाकरी आज़म, जिसमें बेशुमार एक्टर थे और वो सब आउटडोर में, मस्त ओखली आपका जी जी, अताउल्लाह बलोच साहब ने उसमें आपने एक बहुत ज़बरदस्त रोल किया था जी जी, और इसी तरह बंगुल खान जो गिज़ई एक सीरियल था बल्कि ड्रामा था, लॉन्ग प्ले था, वो हमारी जोब में एक तारीखी किरदार है, उसके ऊपर बनाया गया था सजाद अहमद साहब ने। तो क्वेटा टेलीविज़न का मैं वो कह रही कि आपके जो फूल है वो इतने हैं कि मैं कौन से छून लूँ, बिल्कुल ऐसी बात है, ठीक है ना। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो क्वेटा टेलीविज़न है उन्होंने एक तरफ अगर लव सॉन्ग रिकॉर्ड किए हैं, मिली नगमे रिकॉर्ड किए हैं, तो इस सेंटर ने और पाकिस्तान टेलीविज़न ने, आपने फिक्र किया होगा, सोफियाना बहुत सारे गाने हैं जो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, सोफियाना बहुत मशहूर हुए, अलन फ़कीर वगैरह आपको याद होगा। इसी तरह हमारे यहाँ पर भी कुछ ऐसे सिंगर्स हैं कि वो सूफियाना कलाम पे बहुत ज़बरदस्त उबूर रखते हैं, और हमारी एक साथी फनकारा है वो ड्रामों में भी काम करती है और वो गाती भी बहुत ज़बरदस्त है, मैंने तो उनका नाम ही मलंगड़ी रखा हुआ है, ठीक है, वो मलंगों की तरह दरवेश सिफत। अच्छा, एक अमान आप देखिए कि क्वेटा टेलीविज़न के आर्टिस्टों की ये बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ पर जो ज़बानें बोली जाती हैं हमारे तमाम आर्टिस्ट उनमें परफॉर्म करते हैं, उन सब ड्रामों में काम कर रहे होते हैं, और जिस फनकारा का अभी हम जिक्र आप कर रहे थे तो वो भी इसी तरह से हैं, वो बलोची ब्रावी पश्तो में अदाकारी के जौहर भी दिखा चुकी हैं और साथ साथ बहुत अच्छा इन तीनों ज़बानों में वो गाती भी हैं जी जी। तो हम किसको बुलाना चाहेंगे? आप सबकी भरपूर तालियों में स्टेज पर तशरीफ़ ला रही हैं कुलसुम नूर। सखी ता सखी झूले लाली नी हो नादर बा
شائستہ سنم, جس طرح ہمارے قبائلی معاشرے میں خواتین کو عزت دینے کے لیے ہم چادر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اسی طرح مردوں کے لیے کیا دینا چاہیے؟ مردوں کے لیے تو پھر سب سے جو ہے وہ پگڑی ہے, اور پگڑیاں جو ہے اس وقت ہمارے پاس دو بلوچی پگڑیاں ہیں اور دو پشتون کلچر والی پگڑیاں ہیں. اور اس وقت جو ایک شخص میرے سامنے بیٹھے ہوئے, چاہے آپ تھیٹر کی بات کرے, چاہے ڈرامہ لکھنے کی بات کرے, چاہے اداکاری کی بات کرے, ڈائریکشن کی بات کرے, بہت بڑے نام ہے. اور ہم پاکستان ٹیلی ویژن کوئٹہ سینٹر میں جب دیکھتے ہیں تو اکثر اداکار اور اداکارائیں ان کی دریافت ہیں. تو میں آپ لوگ سب کی بھرپور تالیوں میں اے ڈی بلوچ صاحب کو دعوت دوں. بلوچ صاحب کا تو ایک لمبی تاریخ ہے, شاید 58 نہیں 68 والی تاریخ ہے ان کی, کیونکہ تھیٹر کو ملا کے, ٹھیک ہے, ٹیلی ویژن بعد میں آیا ہے اور اے ڈی بلوچ صاحب پہلے اداکار تھے, ٹھیک ہے. تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ مختصر الفاظ میں کچھ پیغام دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مبارکباد ہو آپ کو سب کو. آج پتہ بھی نہیں چلا 58 سال ہو گئے, لگتا ہے کل کی بات ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو آثار قدیمہ سے دریافت ہوئے ابھی تک موجود ہیں. ہم نے جو خدمات انجام دی, خدا کی قسم آج ان چہروں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم پھر جوان ہوئے. دوسری بات جو کہوں کہ آج ان کی روحیں کتنی خوش ہوں گی جو آج موجود نہیں ہیں. اسام قاضی, ریاض, اچھا باما قادر, قادر حارث اور بہت سارے, اسماعیل شاہ اور اکبر کا کرتا, وہ سال و خیر انسان مجھے یاد ہے اچھی طرح. یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے, ہمارے ساتھ کام کرتے تھے. خدا جانتا ہے میں خوش نصیب آدمی ہوں کہ پھر بھی زندہ ہوں اور اپنے خوبصورت چہروں کو دیکھ رہا ہوں. سلام, اور اللہ آپ کو 185 سال مزید زندہ رکھے, تاکہ آپ جو اس وقت ہمارے دو بہت زبردست فنکار ہیں, ٹھیک ہے, ان کا تعلق ایک موسیقار گھرانے سے ہے. ان کے والد بہت بڑے موسیقار ہیں, بینجو نواز ہیں, اور ان کے جو دادے ہیں وہ تو بابا فیض صاحب ہیں, اس کے تو کیا کہنے. لیکن اس کا جو ثبوت ہے جو نئی نسل میں, ریاض ساگر صاحب جو ہے اس وقت موجود ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور اے ڈی بلوچ صاحب ان کے سر پہ عزت والی پگڑی رکھے. اور اب ہمارے ایک اور آرٹسٹ ہے ماشاء اللہ, وہ کمپیئر بھی ہے, وہ آرٹسٹ بھی ہے اور ہمارے دوست بھی ہے. وہ اسٹیج پہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں اور ٹیلی ویژن میں بھی آپ لوگ کی بھرپور تالیوں میں. صداقت بٹ, اب میں, میرے سامنے ایک اور, ہمارے پتہ نہیں اے ڈی بلوچ صاحب سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں, لیکن اے ڈی بلوچ صاحب یہ کہہ رہے کہ میرے شاگرد ہیں, تو پھر چھوٹے ہوں گے نا عمر میں, فن میں نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کون ہو سکتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے استاد اور اے ڈی بلوچ صاحب کو پھول پیش کرے. جی, ہمارے بہت ہی سینئر اور بہت ہی اچھے آرٹسٹ عمر فاروق صاحب, آپ پلیز. عمر فاروق صاحب بھی ہمارے اسٹیج کے, ریڈیو کے, ٹیلی ویژن کے بہت بڑے اداکار اور بہت بڑے آرٹسٹ. اور عائشہ بیٹا آپ پھول لے آئیں اور عمر فاروق صاحب پھول پیش کریں گے اے ڈی بلوچ صاحب کو. اور میں عمر فاروق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک مختصر سا پیغام دے 58ویں سالگرہ کے حوالے سے. پلیز پلیز, بہت شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج خود کو بہت ہی قداور محسوس کر رہا ہوں 5'2" کی قد کے ساتھ, کہ میں نے اپنے استاد محترم جنہوں نے مجھے اسٹیج پہ, ٹیلی ویژن پہ ہمیشہ میری رہنمائی کی ہے, میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیار اور محبت کے پھول پیش کیے ہیں. یہ پھول صرف اے ڈی بلوچ صاحب کے لیے نہیں ہیں, تمام ٹیلی ویژن کے ناظرین کے لیے ہیں اور ہمارے ساتھیوں کے لیے. بہت بہت شکریہ. اچھا مان, ابھی ہم نے ڈرامہ کو ڈسکس کیا, میوزک کو ڈسکس کیا,
आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान टेलीविज़न का करंट अफेयर और न्यूज़ के हवाले से क्या किरदार रहा है? मैं नाज़रीन को ये बताता चलूं कि आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं, फिर सोशल मीडिया भी है, तो पाकिस्तान टेलीविज़न का जो ख़बरनामा है, जो न्यूज़ है, उसका इनफरादियत ये था कि वो बहुत सोच समझ के पहले वो तस्दीक करते थे कि आए ये ख़बर सही है गलत है, एकदम ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं लगाते थे। 9 बजे एक ख़बरनामा था आधे घंटे का, और वो हमारे सारे सेंटर्स का उसमें हिस्सा होता था, हर एक अपने ख़बरें। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान टेलीविज़न का इनफरादियत ये है कि ये बरावी ज़बान में, बलूची ज़बान में, पश्तो में, यहाँ क्वेटा से, और इसी तरह पेशावर से इंदको और पश्तो में, और इसी तरह सिंध में, सिंध से उर्दू और सिंधी ज़बान में, फिर इसी तरह सराइकी ज़बान में और पंजाबी ज़बान में, सूबा पंजाब। और ये इनका इनफरादियत था कि ये हर कौम को उसकी ख़बर से बाखबर रखता था, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स के हवाले से भी मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे जो पाकिस्तान टेलीविज़न है, ये सनसनी नहीं फैलाते थे, ये जो है ना वो बेसकूनी नहीं फैलाते थे मुआशरे में, ठीक है ना। एक जो ज़रूरी होता था वो ख़बर, फिर इनका एक अपना चौकट होता था, उस चौकट से वो बाहर नहीं निकलते थे, ऐसे न्यूज़ नहीं दिखाते थे, ऐसी फिल्में नहीं दिखाते थे कि जिससे मुआशरे में खौफ हो, हरास हो, ठीक है ना। तो ये इसीलिए तो फिर पाकिस्तान टेलीविज़न को मदर ऑफ ऑल चैनल्स भी कहा जाता है। जी जी बिल्कुल। फिर डॉक्यूमेंट्री के हवाले से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे दुर्मामत कासी साहब, कयूम बेदार साहब, बहुत अताउल्ला बलोच साहब, उन्होंने बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज की है। तो पाकिस्तान टेलीविज़न का किस किस शोबे का मैं तारीफ करूँ और किस किस का मैं तारीफ करूँ और शाइस्ता सनम का मैं तारीफ करूँ, यहाँ जो तारीफ बनती है। जी हाँ जी हाँ। तो इस तरह है कि हमारे बच्चे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि फैज़ बाबा का बेटा फिर ताजल के बेटे ने रियाज सागर ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, और अब रियाज सागर का एक बेटा है मेराज अहमद, और उनके साथ मेरे ख्याल में एक बहुत ही ज़बरदस्त गुलुकारा है शाहताज बलोच। तो क्या ख्याल है, उनको दावत दी जाए? बिल्कुल, आप सबकी भरपूर तालियों में मेराज और शाहताज। मले 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 दिन फिर से खुशी का आया। मले 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 दिन फिर से खुशी का आया। मले 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 देखो चांद जमी पर आया, शंकु चांद जमी पर आया, अल्ले चांद जमी पर आया। मले 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 दिन फिर से खुशी का आया। मले 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 रोशन सितारा वश मल्ले जाने से प्यारा वश मल्ले जाने से प्यारा वश मल्ले जाने से प्यारा वश मल्ले जाने से हमको प्यारा। मले 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 दिन फिर से खुशी का आया। मले 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 दिन फिर से खुशी का आया। मले 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 देखो चांद जमी पर आया, शंकु चांद जमी पर आया, अल्ले चांद जमी पर आया। मले 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 दिन फिर से खुशी का आया। मले 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 मेरी वश मल्ले
मैं हूँ तुम्हारा वश मान ले, उसने शेपारा वश मान ले, तू है सहारा वश मान ले, सागर किनारा वश मान ले, देखे नजारा वश मान ले, आ जाओ यारा वश मान ले, आ जाओ यारा वश मान ले, आ जाओ यारा वश मान ले, इस दिल ने तुझको पुकारा मले 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 मले, दिन फिर से खुशी का आया मले 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 मले, दिन फिर से खुशी का आया मले 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 मले, देखो चांद जमी पर आया शंकु चांद जमी पर आया अल्ले चांद जमी पर आया मले 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 मले, दिन फिर से खुशी का आया मले 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 मले। अंबर से तुझको है लाया मले 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 मले, दिन फिर से खुशी का आया मले 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 मले, दिन फिर से खुशी का आया मले 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 मले, देखो चांद जमी पर आया शंकु चांद जमी पर आया अल्ले चांद जमी पर आया मले 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 मले, दिन फिर से खुशी का आया मले 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 मले। और शाइस्ता सनम साहिबा, इस वक्त हमारे पास दो पश्तून कल्चर के दस्तार हैं, ठीक है, और वो दो आर्टिस्टों के सर पे हम रखेंगे। और इज़्ज़त बख्शने के लिए मैं हमारे एक बहुत बड़े राइटर है, वो ड्रामा निगार है, वो बहुत ज़बरदस्त कंपेयर है, वो रेडियो पाकिस्तान स्टेज और पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ इनके रफाकतों का एक लंबी कहानी है। और मैं अपने उस्ताद को और अपने दोस्त को दावत दूंगा स्टेज पे, जनाब अफजल मुराद साहब। अब इनसे मुझे डर लगता है, ठीक है, ये अदब से रिलेटेड लोग हैं और हम हैं बेअदब लोग, ठीक है। तो मैं अफजल मुराद साहब को पहले दावत दूंगा यहाँ कि वो अपने खूबसूरत कलमात से हमें नवाज दें, प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम, खुशी का मौका है, ये जन्मदिन मनाने की रिवायत है, केक काटें, खुशियां मनाएं, फोक कल्चर के हवाले फनकार एक दूसरे से मिलें। तो आज की तकरीब की कामयाबी ये है कि बहुत सारे दोस्त कई महीनों और बल्कि बरसों बाद मिल रहे हैं, तो सबसे बड़ी कामयाबी ये है। और मुझे खुशी है कि मैं अमान के साथ खड़ा हूँ, शाइस्ता के साथ मौजूद हूँ। ये टीवी के हमारे वो खूबसूरत लोग हैं कि जिनसे स्क्रीन भरता है। पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपनी तारीख रकम की है। आज क्लासिक्स में ड्रामे जब हम देखते हैं तो पीटीवी के हैं। आज म्यूज़िक के शोज़ के हवाले आते हैं, सूफियाना कलाम के हवाले आते हैं, नुसरत फ़तेह से अख्तर चन्नाल तक का सफ़र देख लें, आबिद अली से लेकर ये सफ़र असाम काजी तक का लें, और एक से एक कॉमेडी के लोग आप देखें कि एक ऐसी जर्नी है जिस पर हम सब वाकई फ़ख्र कर सकते हैं। फिर ड्रामे होंगे, फिर आइडियाज़ होंगे और फिर मोहब्बतों का सफ़र इंशाल्लाह। अब मैं एक ऐसे फ़नकार को, आर्टिस्ट को दावत दूंगा स्टेज पे, जिन्होंने पश्तो ड्रामों में, जब मैं आया था उससे पहले वो दो तीन ड्रामे कर चुके थे, ठीक है, और उसके बाद अब तक वो काम कर रहे, बेशुमार सुपर हिट सीरियल्स में उन्होंने काम किया पश्तो का, कंपेयरिंग की, और अब भी जब मैं उसे देखता हूँ तो वो मेरा बेटा लग रहा है, तो ये कौन हो सकता है? जी आप सब की तालियों में मैं दावत देती हूँ खलील कासी साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं।
और अब हमारे एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट है, उन्होंने थिएटर से शुरुआत की, स्टेज ड्रामे किए, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान टेलीविज़न आए, पाकिस्तान टेलीविज़न के कुछ पश्तो सीरियल्स में उन्होंने काम किया और फिर उर्दू सीरियल्स और फिर फिल्मों तक चले गए। बहुत बड़े नाम कलीमुल्ला चिकज़ई। अब मैं चाहूँगा कि कलीम साहब एक मुख्तसर सा पैगाम दे, फिर खलील काशी साहब अपना पैगाम दे, प्लीज़। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर वो भी बड़े दूर। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के 58वीं सालगिरह पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का ब्याद मशकूर ममनून हूँ पीटीवी क्वेटा सेंटर के जो हमारे प्रोड्यूसर साहिबान हैं, जीएम साहब है, पीएम साहब है, इनका बड़ा मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे ये बलोची और अफगानी रवायती पगड़ी हमें पहनाया। ये मेरे लिए एक एजाज़, मैं किसी एजाज से इसको कम नहीं समझते। मुझे एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये आर्टिस्ट जो हैं ये हमेशा खुश रहना चाहिए, वो इसलिए कि हमारे पंखार खुश रहेंगे तो हमारा अहले वतन खुश रहेगा। और मुझे खुशी है कि हमारे बलोची बरावी और पश्तो के आर्टिस्ट आज एहतियात और इत्तेफाक से इस तरह मिल के बैठे हुए हैं और इसी तरह मैं दुआ करता हूँ कि हमेशा हमेशा हमारे पंखार इसी तरह मिल के बैठे। अस्सलाम वालेकुम, मैं पीटीवी के इस 58 साल पूरे होने पर अपने तमाम आर्टिस्टों को, अपने तमाम दोस्तों को और उसके साथ साथ अपने तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बस थैंक यू, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। और अब अफजल मुराद साहब को पैगाम दे चुके हैं माशाल्लाह, और हम चाहते हैं कि अफजल मुराद साहब को फूल दिया जाए, और देने के लिए ज़ाहिर है अब अफजल मुराद साहब को किसी ने फूल तो देना है। तो अफजल मुराद साहब चूँकि अदब से वाबस्ता शख्स है तो एक अदबी शख्सियत है मेरे सामने, बहुत ज़बरदस्त शायर है और बहुत ज़बरदस्त ड्रामा निगार है, कॉम्पियर है, और ये और कौन हो सकता है, मोहसिन शकील साहब, आइए प्लीज। मोहसिन शकील साहब अफजल मुराद साहब को फूल देंगे। और अब मोहसिन शकील साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और अपना पैगाम दे शायरी की सूरत में, ठीक है, प्लीज सर। बहुत बहुत शुक्रिया अमनुल्लाह, और आप सब सितारे हैं, हम तो पस मंज़र के लोग हैं तो सितारों को छूने की बड़ी आरज़ू रहती है, तो इन सितारों को देखकर सिर्फ हम एक छूने की आरज़ू में जिस तरह से सामने आ गए हैं, तो ये एक मोहब्बत का सफ़र है और पीटीवी ने, ये पाकिस्तान टेलीविज़न ने ये मोहब्बतों का सफ़र जारी रखा हुआ है और 58 बरस के बाद ये ताल्लुक तो और मजबूत हो गया है। मुझसे कहा गया कि चंद अशार, तो मैं पेश करता हूँ कि ये सारे के सारे सितारे बैठे हुए हैं तो इनके लिए कि जिस्म से रूह तलक खुद को उजाले हुए लोग, जिस्म से रूह तलक खुद को उजाले हुए लोग हैं, चिरागों को अभी खुद में संभाले हुए लोग, एक खुशबू की तरह कुंजे चमन में महके, दिल से नफरत के अंधेरों को निकाले हुए लोग, और एक खुशबू की तरह
कुंज चमन में महके दिल से नफरत के अंधेरों को निकाले हुए लोग और घुप अंधेरों में छुपी रह को मुनव्वर करते, घुप अंधेरों में छुपी रह को मुनव्वर करते, आज भी साथ हैं कुछ नूर में ढाले हुए लोग। घुप अंधेरों में छुपी रह को मुनव्वर करते, आज भी साथ हैं कुछ नूर में ढाले हुए लोग, और आन बैठे हैं मेरी आँख में खामोशी से, आन बैठे हैं मेरी आँख में खामोशी से, खिताए ख्वाबे मुकद्दस से निकाले हुए लोग। आन बैठे हैं मेरी आँख में खामोशी से, खिताए ख्वाबे मुकद्दस से निकाले हुए लोग, जिस्म से रूह तलक खुद को उजाले हुए लोग, हैं चिरागों को अभी खुद में संभाले हुए लोग। बड़े नाराज, बहुत नाराज, बहुत नाराज। तो शाइस्ता सनम साहिबा, आपने बलूची दस्तार भी देखे और फिर पश्तून दस्तार भी आपने देखे, जो हमारे मेहमानों को फूल भी मिले माशाल्लाह। तो मैं दावत दूंगा जनाब अख्तर चनाल साहब, आयशा बेटी जो आप चादर ले आए, और ये खामक वाला चादर है, ये बहुत कीमती चीज़ है, और जब अख्तर चनाल साहब मेरे कंधे पे रखेंगे तो ये और भी कीमती हो जाएगी। थैंक यू। अच्छा अमान, अब एक सवाल मैं आपसे करूंगी। पाकिस्तान टेलीविज़न के आगाज़ से पहले तो सिर्फ रेडियो पाकिस्तान था, जहां से सिर्फ ऑडियो नशर होती थी, और जो हमारी मूवीज़ थी उस वक्त की वो सिर्फ सिनेमास तक महदूद थी। तो पीटीवी के ड्रामास को घर घर पहुंचाने में सबसे अहम किरदार किसका है? देखो, एक तो पीटीवी का जो ड्रामा है ये बहुत एक अहम चीज़ है, ठीक है, कि ये हर घर में हर औरत के लिए, चाहे वो बच्ची है, चाहे वो बहन है, चाहे बेटी है, चाहे दादा है, चाहे वालिद है, चाहे छोटा बच्चा है, इन सब का हमारे जो ड्रामा राइटर्स होते थे, जो ड्रामा का यहाँ पे स्क्रिप्ट एडिटर्स जो होते थे, वो ख़ास ख्याल रखते थे। तो एक तो ड्रामा, दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, ये एक अजीब सी, क्या हमारे जो हमसाया मुल्क है जिसके पास एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, उनकी एकेडमीज़ में पाकिस्तान टेलीविज़न का ड्रामा दिखाया जाता था और लोगों को बताते थे कि भाई एक्टिंग इस तरह की, ठीक है। तो उन लोगों में जो इन्होंने ये ड्रामे का जो रिवाज रखा है, जो ड्रामे के लिए उन्होंने मेहनत की और हमारे ड्रामे को यहाँ तक पहुँचाया है, उनमें कुछ नाम है जिनका नाम लेना मैं ज़रूरी समझता हूँ। वो है नुसरत ठाकुर साहब, जो किसी ज़माने में यहाँ पर आए थे, और ओरिया मकबूल जान, जो आजकल एक बहुत बड़ा माशाल्लाह नाम है सियासत के हवाले से, सहाफत के हवाले से, उन्होंने वो सीरियल लिखा था, उसका नाम था गर्दबाद, ठीक है। उन्होंने फिर उसके बाद रोज़न भी लिखा, जो तारिक मेराज साहब हमारे बहुत ज़बरदस्त प्रोड्यूसर थे, उन्होंने उसको प्रोड्यूस किया था। और इसी तरह ये जो राइटर्स है, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो ड्रामा है वो असल में राइटर मीडियम है, जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मीडियम है वो है फिल्म, ठीक है। तो ड्रामों के राइटिंग के हवाले से अगर मैं कहूँ तो ताज रईसानी साहब बहुत बड़ा नाम है, आरिफ ज़िया साहब बहुत बड़ा नाम है, और अफजल मुराद साहब, मोहसिन शकील साहब ये हमारे सामने बैठे हुए हैं, एडी बलोच साहब ने बहुत काम किया है, इसी तरह हबीब पानीज़ई हमारे एक बहुत ज़बरदस्त नाम है जिन्होंने पश्तो ड्रामे लिखे, तुरमामद काशी साहब ने भी लिखे थे पश्तो ड्रामे। एक राइटर का नाम भूल रहे हैं वैसे। जी जी, अमानुल्लाह नासिर साहब। मैंने कहा कि आप लेंगी तो मैं वैसे वो कह रहे कि अपने लिया। आपने लिखे हैं तो आपका नाम तो लेना बनता है। हाँ, और आपको जो एक ड्रामा सीरियल में जो मैंने काम किया, मट्टी ड्रामा, और वो अफगान पाक दोस्ती के ऊपर बना हुआ था, तो वो मैं समझती हूँ मेरी लाइफ का तो बेस्ट ड्रामास में से एक है। थैंक यू। और उस ड्रामे ने अपने जो साल में सबसे ज़्यादा एवार्ड उसी ड्रामे ने लिए थे, और उसके बाद एक और ड्रामा था जो मलेशिया में सजाद साहब को बेहतरीन
बेहतरीन प्रोड्यूसर का अवार्ड मिला गुलबशरा के नाम से, जिसका आपने लॉन्ग प्ले भी किया था, वो भी आपका प्ले था। और फिर उसके बाद हमने एक और मुश्किल सब्जेक्ट पे काम किया था जिसका नाम था अमन, वो भी एक बहुत ख़तरनाक किस्म का टॉपिक था। तो क्वेटा ने हमेशा ख़तरनाक काम किए और बहुत अच्छी तरीके से किए। तो इस पर मैं नाज़रीन से कहूँगा कि तो अब माशाल्लाह ये 58 साल तो हो गए, और हमारी दुआ है कि 158 साल ज़िंदगी गुजारे पाकिस्तान टेलीविज़न। और ये साल जितने चलते रहेंगे उसमें नए नए नाम भी आएंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान टेलीविज़न ने एक बहुत खूबसूरत हमारा ड्रामा आर्टिस्ट भी है और गुलुकारा भी है, और उसका स्टाइल भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये कौन हो सकता है? जी अमान, मैंने बिल्कुल पहचान लिया है, ये हमारी एक बहुत ही उभरती हुई टैलेंटेड फनकारा है जो बलोची, ब्रावी, पश्तो में ड्रामे में भी परफॉर्म करती हैं और बहुत अच्छा इन तीनों जबानों में गाती भी हैं। तो आप सब की भरपूर तालियों में स्टेज पे तशरीफ ला रही हैं कहकशां।
ड्रामा पे बात की, म्यूज़िक पे बात की और डॉक्यूमेंट्री को भी जिक्र किया, लेकिन क्वेटा टीवी ने जो बच्चों के हवाले से जो ड्रामास प्रोड्यूस किए और जो म्यूज़िकल शोज़ और क्विज शोज़ किए, उसके बारे में आप कुछ नहीं बता रहे? मेरे ख्याल में अगर मैं ये बात कहूँ, दावा कहूँ कि बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन और मुश्किल काम हमारे क्वेटा सेंटर ने किया है, तो इसमें कोई मुगालता नहीं होगा इंशाल्लाह। क्योंकि सजाद अहमद साहब ने बच्चों के प्रोग्राम्स किए, फिर जमाल तरीन साहब ने तो साल का बेहतरीन अवार्ड भी लिया है बच्चों के प्रोग्राम में, और गुलशाह बुखारी साहब ने बहुत बेहतरीन प्रोग्राम्स किए। और उन प्रोग्रामों के तसलसल में मैं आपको एक बात बता दूँ कि क्वेटा टेलीविज़न ने हबीब पानीज़ई, जो हमारे एक बहुत लेजेंड अदाकार है कॉमेडी के हवाले से भी और संजीदा ड्रामों के हवाले से भी, उनके दो बच्चे थे यूसुफ गुल और मिर्वेस, उसका जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा। इसी तरह बाकी दरवेश साहब है, उनके बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया था। जीनत सना साहिबा की फैमिली से बच्चे आते थे, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किए। तो बच्चों का अगर काम ना हो तो फैमिली में ना तो ड्रामा देखा जाएगा और ना प्रोग्राम लोग देखेंगे जी। तो शाइस्ता सनम, आज का ये जो प्रोग्राम है ये इख्तिताम पज़ीर नहीं होने देंगे जी। दिल तो ये कह रहे कि कल तक ये प्रोग्राम चलता रहे, लेकिन घड़ी जो है वो बता रही है कि अब बस, ठीक है। और इसके लिए आप परेशान नहीं हो ना, सालगिरह हो और केक ना हो, तो केक जो है ना वो पड़ा हुआ है, और मैं ये चाहता हूँ कि इस केक को जल्द से जल्द काटा जाए ताकि ठंडा ना हो, ताकि अब इसे नोशीजान करें जी जी। और नोशीजान करने के लिए ये तमाम हजरात जो है ये तो अपने अपने हिस्से का केक खा चुके हैं। केक कटिंग सेरेमनी के लिए हम सबसे पहले तो क्वेटा टेलीविजन के GM अयूब बाबई साहब को मैं कहूँगी कि वो प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाएं। अयूब बाबई साहब, तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्पेशली क्वेटा सेंटर की तरफ से, अपने तमाम डिपार्टमेंट की तरफ से, PTV हेडक्वार्टर मैनेजमेंट की तरफ से, पाकिस्तान में पाकिस्तान बाहर जो हमारे TV के व्यूवर्स हैं उनको दिल की गहराइयों से दोबारा मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सालगिरह उन सबको मुबारक हो, पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब आपसे दरख्वास्त है कि आप केक के पास जाएं, और यहाँ पे कुछ हमारे बहुत ही हरदिल अजीज जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो भी स्टेज पे आए केक के गया है। शाइस्ता, केक भी हो गया है जी। अमान, केक तो हमने खाया है ना, हमने हमारे नाज़रीन के लिए भी सालगिरह के हवाले से एक तोहफा तैयार किया है एक गीत की शक्ल में। और इस गीत के बारे में आपको ये मैं बता दूं नाज़रीन कि हमारी एक बहुत ज़बरदस्त फ़नकार है शुमाइला इमरान, उनके साथी भी है कुछ, लेकिन जाने से पहले और ये गीत लाने से पहले मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान टेलीविज़न के जो कैमरों के पीछे जो कारकुनान है, जो एडिटर्स है, जो इनके सेट डिज़ाइनर्स है, जो सेट पे कारकुनान है, जो सफाई वाले हैं, जो स्टूडियो को सजाने वाले लोग हैं, उनके लिए भी मैं मेकअप की भी हवाले से ज़ाहिर बात करूँगा, जो हमें खूबसूरत बनाते हैं और हमें सजाते हैं, और कैमरामैन वगैरह, इन सब के लिए एक तो एक क्लैपिंग होनी चाहिए। और इसके साथ हम नाज़रीन से लेंगे इजाज़त, और इस दुआ के साथ कि हमारा पाकिस्तान टेलीविज़न जो है हज़ारों साल जिए और इसी तरह प्रोग्राम करते रहे, और हम बार बार हमारे पोते पड़ पोते आए और इस तरह के सालगिरह मनाएं। तो इस दुआ के साथ अमानुल्लाह नासर और शाइस्ता सनम, इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़। सदा यूं ही गुनगुना।